today we will start chapter 19 trigonometrical ratios from aschans क्लास नाइन्थ फोर आईसीआईसी अब ट्रिग्नोमैट्रिक का मतलब होता दोर है मेजरमेंट ट्राइंगल में मेजरमेंट्स ट्रिग्नोमैट्री में हमारे पास सिक्स रेशोज आएंगी कितनी रेशोज आएंगी सिक्स रेशोस जैसे हमारे क्लास में रोल नंबर होते हैं ना बेटा फर्स्ट रोल नंबर सेकेंड रोल नंबर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसी ये याद रखना फर्स्ट रोल नंबर हमने साइन को दे दिया लिखने में सिन होता है बट बोलने में इसको साइन बोलना है हमेशा ओके okay? दिया क्या बोलेंगे yes, इसको थीटा थीटा क्या होता है एंगल अकेला साइन कुछ नहीं होता उसके साथ एंगल होना जरूरी है सेकेंड होता है बेटा कॉस थर्ड होता है टेन फोर्थ वन इज कॉट फिफ्थ वन इज सिक एंड लास्ट वन इज कॉसिक सिक्स रेशोज दिस इज कॉल्ड क्या बोलेंगे tan cot sec sec nahi bolna secant secant cos हाँ जी बेटा ये सिक्स रेशियोज है एक्चुअल में इसकी स्पेलिंग एस आई एन ई होती है बट लिखने में एस आई एन आता है ठीक है यस yes, दूसरा साइन को लिखने में तो साइन की स्पेलिंग ये होती है बट हम यूज कॉस करते हैं टेन टेन की टेंशियंट ये होता है कॉट का कोटेंजेंट होता है सिकेंड का ये स्पेलिंग होता है कॉ का ये स्पेलिंग होता है ओके okay? यस yes, लिखने में जो हमने यूज करने हैं वो ये टर्म करनी है Quarter second, quarter second. और एक right angle के अंदर ही ये लग सकती। Only in a right angle, मैंने दो ट्राइंगल्स बनाई है समझाने के लिए कुछ समझाना है आपको इसलिए दो ट्राइंगल राइट एंगल ड्रॉ की है ये एंगल 90 है दिया yes, sir. 90 के अपोजिट कौन सी साइड होती है बच्चे ऑलवेज एच नाइनटी जो थीट्टा है ना वो अक्यूट एंगल होगा या सी पे होगा या ए पे होगा अगर मान लो इज एट इस पोजीशन पे है थीटा के अपोजिट जो साइड होगी दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर और जो थर्ड साइड बच गई वो Base. क्या होगी बेस होगी अब यहाँ पे फिर से मैं ले लेता हूं बेटा एक ट्रायंगल 90 के अपोजिट क्या होगा ऑलवेज हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज होगा थीटा मैंने अभी यहाँ पे ले लिया तो कौन सी साइड पर पेंडिकुलर होगी बीसी और ये बेस, बेस। होगा ये चीज समझ आ गई ना कि अगर सी पे है मतलब यहाँ पे है तो उसके ये सामने होगा और ये बेस होगा नाइनटी के अपोजिट ऑलवेज एक स्लोगन लर्न कर दिया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले ये याद रहेगा बेटा यही ऑर्डर है ऑर्डर नहीं ऑर्डर तो ये है इसको स्लोगन से लर्न करेंगे ना हम पी फॉर पंडित बी फॉर बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तो ले बोलना पंडित बद्री, बद्री प्रसाद प्रसाद हरी हरी बोले सोना, सोना चांदी, चांदी तो, तो ले ठीक है एस फोर साइन सी फोर कॉस पी फोर टेन हमारे पास सिक्स रेशोस हैं साइन कॉस tan, कॉट सिकेंड कॉसिकेंड तो हमारे पास तीन टर्म्स का फॉर्मूला आ गया उससे पहले एक चीज और हमने इस ऑर्डर में लर्न की थी ना ये रेशोस यस yes. तो मुझे ना मैं रेशोस भूल गया पहली रेशो पहला रोल नंबर किसको दिया था हमने साइन सेकेंड कॉस थर्ड थर्ड टेन फोर्थ फोर्थ कॉट कॉट मैंने क्यों पूछा कि आपको थोड़ा सा इसी ऑर्डर में क्यों लिखते हैं क्योंकि फर्स्ट का रिलेशन लास्ट के साथ होता है सेकेंड का सेकेंड लास्ट के साथ थर्ड का थर्ड लास्ट के mm -hmm. साथ ठीक है यस साइन होता है कॉसिकंड का रेसी प्रोकल वन अपॉन

मैंने um, तू नहीं दिया, है? है? दिया। मेरे घर पास तो तीन दिन ही हुए है अभी आए हुए मैं पहले ही मतलब फर्स्ट डे से पहले बोल रहा हूँ आपका माइंड बहुत शार्प है बहुत आगे जाओ बट बस अपना जैसे अभी चल रहे हो ना अपना उसी yes, उसी टाइप से करते रहना है Yes। ठीक है अब मुझे एक सिंपल सा बात बताओ एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा यस yes, उसके अंदर हमें दो साइड्स दी हुई है मान लो तीनों में से कोई भी दो साइड दी है ये दे दी उन्होंने एट ये दे दी टेन आप बीसी फाइंड कर सकते हो yes. कैसे पाइथागोरस हम यही चीज करेंगे जब हमारे पास तीनों साइड्स आ जाएंगी तो हम कोई भी रेशो इनमें से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि सारा कुछ इसी पे बेस्ड है ओहो मैं तो स्लोगन का नाम ही भूल गया क्या सिखाया था तेरे को मैंने दिया स्लोगन बोलो हाँ हाँ पंडित बद्रीनाथ पीपे प्रसाद प्रसाद पंडित बद्री पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले सोना चांदी तोले वेरी गुड तो देखो क्या है कि धीरे-धीरे ये वैसे ही लर्न हो जाएंगे स्लोगन की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टार्टिंग में स्लोगन की जरूरत क्यों है कि हमारी कोई मिस्टेक ना हो जाए ठीक है बेटा यस इसलिए हमने इस स्लोगन से ये लर्न किया ये तीन टर्म्स ये तीन टर्म आ गई ये इसका रेसिपी जो तो कल ये इसका ये इसका ठीक है बेटा यस फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास यही है अगर आपको ये समझ आ गया ना तो आपको लोगे बस यही था ये तो बहुत इजी है यस ठीक है तो फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलमोस्ट हमारी कवर है नाइनटीन ए हाँ जी बेटा नाइनटीन ए में यहां पे हमारे पास देखो तीन सम्स दिए क्वेश्चन yes. इनमें से कौन सा करूं फर्स्ट करूं सेकंड करूं थर्ड करूं ये बताओ को कर, कोई कर लेते हैं चलो फिर फर्स्ट ही कर लेते हैं फिगर yes. हमें दिया हुआ है और तीनों लेंथ की साइड साइड्स की लेंथ भी गिवन है ए सी बी यहां थ्री है यहां फोर है यहां फाइव है ये एंगल नाइनटी है उन्होंने पूछा है टेन ए टेन बी कॉट ए कॉट बी फिर पूछा है

मेरी गलतियां निकालती रहा कर गुड <laughs> मैं भी ऐसा ही था मेरा हमारे ना जो स्कूल में थे तो नाइन्थ और टेंथ में ना नाइन्थ में एट के बाद एक अलग से सेक्शन बना देते थे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का सर हमारे स्कूल में भी पहले ऐसा होता था अब खैर नहीं है बट उनके है, मतलब मार्क्स मैं बताता हूँ ना कि इंटेलिजेंट बच्चों का अलग से सेक्शन बना दिया था में तो जो हमारे प्रिंसिपल थे ना वो उस सेक्शन को मैथ करवाते थे ओ पी शर्मा ओम प्रकाश शर्मा जी थे तो डर मतलब कांपते थे सारे बच्चे उनसे डर लगता था उनसे तो अकेला मैं क्लास में ऐसा था कि अगर उन्होंने थोड़ा सा गलती कर दिया ना बोर्ड पे मैं बोल देता था <laughs> वही हाल तेरा है तो करने ही नहीं देती मुझे को मतलब मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था बाई चांस हो गया था कॉपी रॉन्ग यहाँ थ्री फोर फाइव ये है बेटा यस yeah. अब टेन का फॉर्मूला क्या था टेन का वन uh, अपॉन नहीं, नहीं वो नहीं वो फॉर्मूला नहीं है फॉर्मूला दूसरा था पंडित वाला अच्छा बी अपॉन बी टेन अगेन है यहाँ पे पी अपॉन बी कॉट का टेन का रेसिप्रोकल था ना बी अपॉन बी यहाँ पे बी बी अपन बी साइन का uh, रेसिप्रोकल था एच अपॉन बी एच अपॉन बी कॉस का uh, P upon B. बी अपॉन ठीक है बेटा सेकेंड कॉस का रेसिप्रोकल था एच अपॉन बी मैंने उसी ऑर्डर में क्यों याद करने के लिए बोला इसीलिए बोला है कि आपको रेसिप्रोकल मतलब तो तीन टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी साइन कॉस टेन उनके रेसिप्रोकल क्या क्या होते हैं yes, sir. अब यहां पे इस एंगल पे सारा कुछ टिका हुआ है अगर ये एंगल को देख के आपने परपेंडिकुलर और बेस फाइंड कर लिए तो हो गया सम

बी के अकॉर्डिंगली पर अकॉर्डिंगलीपेडिकुलर कौन सी साइड है बेटा एंड बेस बेस क्योंकि ना एक्चुअल में छोटे होते से हमें ये सिखाया जाता है जो नीचे साइड है वो बेस जो नीचे साइड है वो बेस शायद आपने भी यही सीखा हो ओके okay? बट नहीं अभी के अंदर हम इसको बेस नहीं बोलेंगे वो बो, बेस कब बोलेंगे वो एंगल पे डिपेंड करेगा अब ए के अकॉर्डिंगली बेस बी सी पड़ेगा बेस ए सी के अकॉर्डिंगली बेस सॉरी बी सी एके अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर बी सी हाइपोटेन्यूज ए बी बी के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर बेटा ए uh, सी हाइपोटेन्यूज ए बी के अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज ए uh, बी चेंज नहीं होगा ठीक है परपेंडिकुलर बीसी बी के अकॉर्डिंगली हाईपोर्ट न्यूज बी के अकॉर्डिंग वही रहेगा परपेंडिकुलर सी दिमाग घुमा दिया है ना परुलर बेस नहीं yes, <laughs> पर ये ये कसम कर लिया नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी हो गई ये सोच लो ठीक है यस yes, बहुत इजी है ए के अकॉर्डिंगली बेस एसी हाइपोटेन्यूज ए बी बी के अकॉर्डिंगली बेस अह बी सी हाइपोटेन्यूज ए बी ए के अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज अह uh, ए बी बेस बी सी बेस

AC upon BC, 4 upon three. 3. Answer. BC upon AC, BC upon AC, 3 by 4 is the answer. BC upon AB, BC upon AB, 3 upon 5 is the answer. Uh, AC upon AB, 4 upon 5 is the answer. AB upon BC, AB upon BC, 5 upon? 5 upon 3. AB upon AC, 5 upon 4. A C upon A B. Um, four upon three. Sorry, four upon five. Um BC three upon five. Five upon four. Five upon three. Okay. And exercise is also complete. अब सेकंड और थर्ड सब बस ये ध्यान रखना है बेटा उन्होंने ना राइट एंगल यहाँ पे दिया है तो ए बी हाईपोर्टन्यूज होगा परपेंडिकुलर और बेस बी सी और ए सी में से होंगे वो डिपेंड करेगा इस एंगल पे ए है तो ये बी सी परपेंडिकुलर होगा एंड ए सी बेस होगा अगर बी पे है तो ए सी परपेंडिकुलर और बी सी बेस होगा हाईपोर्ट ने तो ए बी ने रहना है यहाँ पे भी ए बी हाईपोर्टन्यूज रहेगा नाइनटी के अपोजिट और बेस और परपेंडिकुलर एंगल जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक साथ दिया हुआ है रेशो के साथ उस पर डि ओके यस सेकेंड सम बेटा इसका नहीं अभी एक्सरसाइज नहीं कंप्लीट हुआ है तो वैसे ये सम ऐसी, जो सेकेंड थर्ड फोर्थ है ना वो इसी पे बेस्ड है सी बी ए अब जब स्कूल में जाएगी दिया तो क्या होगा सब कुछ आएगा सब कुछ आएगा और सारी क्लास तेरे से पूछेगी दिया दिया ये कैसे होगा दिया हमें समझा दो ठीक है होना भी चाहिए ठीक है दिया यस रिजर्व नहीं रहना अब खुल के बोलना है वहां पे ये चुपचाप बैठी रहे ओके यस सर अब देखो उन्होंने क्या कुछ पूछा है बेटा साइन कॉस टेन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर तो सबसे पहले हम साइन कॉस एंड टेन फाइंड करेंगे स्क्वायर तो उसके बाद सिक्स आंसर पूछे ना यस yes, साइन थीटा यहाँ पे मार्क किया हुआ है उन्होंने साइन का फॉर्मूला क्या था पी uh, अपॉन एच कॉस्का बी बी अपॉन एच टैन का बी अपॉन बी थिट्टा के अकॉर्डिंगली विच साइड इज़ डार्पर पैनुक्लर एबी एंड हाइपोटन्यूज एसी फाइव अपॉन um, थर्ड Um, uh, basis A, C, B, C upon AC is uh, twelve upon thirteen. 13. Now perpendicular AB On a BC uh, five upon twelve.

ट्वेंटी फाइव अपॉन वन फोर्टी फोर तुरे को तो ट्रिग्नोमेट्री आ भी गया दिया यस yes. इतनी जल्दी हैं सर ट्रिग्नोमेट्री में बस यही होता है बस यही होता है <laughs> <laughs> है कुछ और भी है बट बेसिक स्टार्टिंग यहां से है बच्चों पता है प्रॉब्लम कहां पे आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको ये नहीं पता चलता कि हम कौन सी साइड को बेस कौन सी साइड को बेचने वो आप खुद करोगे सेम टू तो सेम है टेन फाइंड करना है टेन स्क्वायर टेन क्यूब साइन क्यूब कॉस क्यूब मतलब साइन कॉस और टेन फाइंड कर लेना फिर उनके स्क्वायर क्यूब करनी है कर लोगे यस yes. अब जो फोर्थ सम है लास्ट वाला इसमें देखो बेटा क्या है कल yes. दिया तूने अकेले अकेले केक खा लिया yes. है इंजॉय yes, किया पूरा मेरे को नहीं लगता तूने एंजॉय किया होगा चुपचाप तो बैठी रहती है तो एक कॉर्नर पे बैठ गई होगी चुपचाप नहीं बोलती तो है नहीं तेरे को ना एक बार मैं टेंथ आईसीआईसी वाले बैच में लेके जाऊंगा सिर्फ एक लेक्चर लगाना उनका लेक्चर क्या लगाना देखना कि कैसे बोलते हैं वो ओके सर कोई किसी को नहीं जानता वो नियर अबाउट होते हैं फोर्टी फिफ्टी स्टूडेंट्स के बीच में होते हैं लड़ते हैं वो लड़ाई करते हैं एक दूसरे से ओ हो हो जैसे ना कि पास बैठे हो ऐसे लड़ाई करते हैं यस yes. मतलब इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं ना गर्ल्स एक लुधियाना की है एक जमशेदपुर से है ठीक है यस yes, एक जम्मू से है लड़की एक कहा से थी सर ऐसा कोई है जो कोटद्वार है सर या ऐसा कोई भी है जो इंडिया से बाहर का है नहीं बेटा इंडिया के बाहर वो भी तू भी तो इंडिया से ही है क्योंकि तू तो इंडिया में पढ़ती है सर बट मैं बॉन्ड नहीं पा रही फिर क्या हो गया हिंदी आती है ना तेरे को यस yes, सर फिर लगाते हो पीछे आप बनिया हो मारवाड़ी मारवाड़ी राजस्थानी मारवाड़ी ओके है तो बनिया ही वो मुझे नहीं पता हम भी बनिया ही है ना महाजन बोल देते हैं उनको हाँ जी यहाँ देखिए बेटा ओ एम हाँ पी O R Q ये वाला एंगल एंड O Q M O Q M यहाँ पे जो 90 का सिंबल ये एंगल 90 है ये एंगल 90 है ये एंगल 90 है ये हमें एंगल्स 90 दिए हुए हैं. फाइंड राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टी रेश्योस पहला पार्ट पूछा उन्होंने sin angle आर क्यू एम पूछा है yes. साइन का फॉर्मूला uh, देखो कौन सा है आर yes. ये वाला एंगल है ना बेटा इस एंगल के अकॉर्डिंगली बताना है तो इस एंगल के अकॉर्डिंगली कौन सी ट्रैंगल राइट एंगल ट्रैंगल में आ रहा है ये ये एंगल uh.

yes, sir. uh, uh उन्होंने क्यू एम लिखा है ना क्यू एम ये वाला yes, एंगल sir. yes, sir. कौन सी कौन सी राइट एंगल में आ रहा है इसमें आ रहा है ना yes साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर कौन सी साइड है क्यू पी पी क्यू या क्यू पी एंड हाइपोटेन्यूज पी एम हो गया सारे पार्ट्स बेटा ऐसे कर लोगे यस सर ओके